हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे दूसरे वनडे के मैच के विषय में, जिसमें भारत ने पहली पारी में 399 रन बनाए 5 विकेट पर 50 ओवरों में। अब हम लोग बात करते हैं शुरुआत से कि किन किन बल्लेबाजों ने कैसा प्रदर्शन किया। सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ की बात करते हैं, जिन्होंने 8 रन बनाए 12 गेंदों पर और वो भी 2 चौके लगाकर। दूसरे नंबर पर आते हैं शुभमन गिल, जिन्होंने 104 रन बनाया 97 गेंदों पर, 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से बहुत अच्छी इनिंग रही है और जल्द ही वनडे रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पर भी आ सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 105 रन की शानदार शतकीय पारी खेली 90 गेंदों पर 11 चौके और 3 छक्कों की मदद से। चौथे नंबर पर आते हैं कप्तान लोकेश राहुल, जिन्होंने 38 गेंदों पर 52 रन बनाए 3 चौके और 3 छक्के लगाए। इन्होंने अपने इनिंग की शुरुआत एडम जंपा पर छक्का लगाकर शुरुआत किया था। ईशान किशन 18 गेंदों पर 31 रन बनाए, उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। ईशान किशन ने भी काफ़ी अच्छे छक्के मारे थे। इसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव, जिनका तो तूफान और कहर आप लोग जानते ही होंगे और आज भी उनका तूफान देखने को मिला। उन्होंने 37 गेंदों पर 72 रन की धमाकेदार पारी खेली, 6 चौके और 6 छक्के लगाए। उन्होंने कैमरन ग्रीन के ओवर में 4 छक्के लगातार लगा गए, जिसे देखने दर्शनीय रहा। उसके बाद रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी आई है, जिसमें उन्होंने 9 गेंदों पर 13 रन बनाए और 1 चौके लगाए। इस तरह से भारत ने 50 ओवरों में 399 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया है। यह बता दें कि यह भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले भारत ने 383 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा। आज भारत ने 399 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की बात करें तो कैमरन ग्रीन 10 ओवरों में 103 रन लुटाए और 2 विकेट पाए। इसके अलावा जोस हेजलवुड, शेन एबॉट, एडन जंपा ने एक एक विकेट लिया है। कैमरन ग्रीन आज ऐसे बल्लेबाज बन सकते हैं जिन्होंने 10 ओवरों में 103 रन दिए भी, मतलब शतक लगाए रन के अकॉर्डिंग भी, और आज उस बल्लेबाजी के अकॉर्डिंग शतक लगाने का मौका है उनके पास, क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे।